माँ की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही बड़े। दही बड़े बनाने के लिए मैंने उड़द की दाल ली है और इसको मैंने पूरी रात भिगा दिया था। दो कटोरी, इस कटोरी से मेजर करके मैंने उड़द की दाल ली है और इस उड़द की दाल में मैंने इसी कटोरी से आधा कटोरी ये मूंग की दाल ली, जिसे मैंने पहले भून लिया था और उसके बाद इसको मैंने भी पूरी रात सोक किया था। अब इन दोनों को हम अच्छे से पीस लेंगे और पीसने के बाद भी इसको तुरंत नहीं बनाएंगे, कम से कम आधा घंटे रखेंगे और इसको बहुत फेंटेंगे और फेंटने के बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों दालों को पीस लिया और पीसने के बाद इसे कम से कम 20-25 मिनट उसको छोड़ दिया। अब इसको हम बहुत अच्छे से फेंटेंगे और फेंटने के बाद हम देखिए, मैंने यहाँ पर एक कटोरी पानी लिया है, उसमें हम इसको थोड़ा सा डालेंगे और उससे ये पता चल जाएगा कि अगर ये डूब जाए तो अभी ये इतना बनाने लायक बड़ा नहीं हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं डूबा, ये तैर रहा है। इसके लिए अब हम बड़े बनने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम इस तरह इतने बड़े बड़े डालेंगे और इकट्ठे जितने आप इसमें आ जाएं एक बार में उतने तल लेंगे। जैसा मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करिए, तो देखिए मैंने भी लोहे की कढ़ाई ली है। इनको आप गोल करके और बीच में छेद करके भी, जैसे नॉर्मल बड़े बनते हैं वैसे वाले दही बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे गोल बनाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने पानी रखा हुआ है जो 1 से 1.5 लीटर है, इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे और थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। अब जब हमारे बड़े तल के तैयार हो जाएंगे तो हम इसमें ही इनको डाल देंगे और ये इसमें थोड़ी देर तक भीगेंगे। बस देखिए, ये बड़े एकदम तैयार हो गए हैं, क्रिस्प हो गए हैं और इनको बहुत तेज आंच में नहीं तलना है, नहीं तो ये अंदर से थोड़े से कच्चे रह जाएंगे। अब इस स्टेज में हम इनको बाहर निकाल लेंगे और फिर उसके बाद उस पानी में डालेंगे जिसमें हमने काला नमक और हींग मिलाई हुई है। बहुत ही क्रिस्प बनते हैं, लेकिन जब आप इनको पानी में डाल दोगे और धीमी आंच में ही तलने लेंगे, ज्यादा तेज आंच मत करिए। मैंने हल्का सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दी थी। देखिए, जो बड़े मैंने तल के अभी निकाले, अब मैं इनको इस पानी में सोक कर दूंगी जिसमें हींग और काला नमक मैंने डाला, ज्यादा नहीं, बस इसका टेस्ट चेंज करने के लिए। देखिए कितने अच्छे बने हैं। इसमें बाद में छोड़ेंगे इसको, दही और दही चटनी डालेंगे। मैंने रेड चटनी इसके लिए बनाई है अपने दही बड़ों के लिए, और इसमें मैंने इमली और खजूर लिए हैं और उनको मैंने उबाल लिया था। उबालने के बाद मैंने इनको मैश किया है और मैश करके अब इन पर थोड़ा सा पानी डाला है और अब ये मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी, जो गुड़ है, भुना हुआ ज़ीरा है, सौंठ पाउडर है, काली मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है और सौंफ पाउडर। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे, इसको थोड़ा सा पकाएंगे और फाइनली फिर छन्नी में डाल के इसको पूरा छान लेंगे और हमारी ये रेड चटनी तैयार है। हरी चटनी मैंने बना ली है जो कि जिसकी रेसिपी मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ और फिर हम आपको बताएंगे कि बड़ों को किस तरह सर्व करें। बस इसको मिला लेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड करेंगे क्योंकि ये मसाले डालने के बाद गाढ़ा हो जाता है। पानी ऐड करेंगे क्योंकि मसालों के कारण थोड़ा गाढ़ा हो गया। बस इसमें एक उबाल आने के बाद मैं इसको छन्नी से छान लूंगी और उसको फिर हम सर्व करेंगे बड़ों के साथ। देखिए, बड़े, दही और दोनों तरह की चटनी और ये मसाले सब तैयार है, बस अब हम इसे सर्व करेंगे। बड़ों को मैंने बनाकर इस तरह पानी में भिगा दिया था जिसमें मैंने हल्का सा नमक और हींग डाली थी। अब हम क्या करेंगे, और दही को देखिए मैंने फेंट लिया है इस तरह। अब हम इन बड़ों को ऐसे हाथ में लेंगे और धीरे से जेंटली प्रेस करते हुए इसका पानी निकाल देंगे। इतने सॉफ्ट बने हैं ये बड़े, बस हल्का सा दबाइए और उसको यहाँ पर सर्व करिए। इसी तरह आप दूसरे बड़े भी ले लीजिए और इसको हल्का सा दबाइए, इससे जो एक्सेस ऑयल होता है, पानी होता है, वो सारा निकल जाता है। इसको हल्का सा इस तरह हम तोड़ देंगे और अब हम इसमें पोर करेंगे दही।
अब हम इसमें हल्का सा काला नमक इस तरह से डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक, और शुगर मैंने दही में भी ऐड कर दी थी जिससे वो एकदम खाली टेस्ट ना आए, हल्का टेस्ट आए। अब इसमें हम ये भुना हुआ जीरा डालेंगे, जीरा पाउडर, फिर ये कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे थोड़ी सी। पहले हम इसमें हरी चटनी बुरकेंगे थोड़ी सी डालेंगे, इस तरह से। बाद में आप और डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपको कितनी चटनी चाहिए। फिर ये हमने जो लाल चटनी बनाई है इमली और खजूर से, वो ऐड करेंगे। बस इसको फाइनल टच देने के लिए हम थोड़ी सी नमकीन सेब भी इसके ऊपर डालेंगे। अगर आपके पास अनार के दाने हो तो प्लीज़ उनको भी ऐड करिए, जिससे बहुत ही सुंदर लगते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। ये बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट मज़ेदार दही बड़े बनके तैयार हुए हैं। आप इन्हें घर पे बनाइए, बच्चों को खिलाइए और समर सीजन में इंजॉय कीजिए। इफ़ यू लाइक माई रेसिपीज प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई रेसिपी एंड माई चैनल। थैंक यू। बड़े इतने सॉफ्ट एंड माउथ मेल्टिंग बने हैं, इजीली कट गए, और इनके अंदर आप देखिए